पहली दफा लगा रहे हैं ना, पहले तो ये कभी काम नहीं किया ना। ये भाईजान आ चुके हैं जिनका बाइक था, ये मुसाफिर बंदे हैं, शक्ल देखे जरा, शक्ल से बहुत अशरीफ लगा। बिल तो देना है यार, मैं भी यार मेरे शॉप पर है ना, उस्मान के बाइक पे ही पीछे सज्जा मिली साढ़े नाल लिखा हुआ जी लिखी तो क्या कहते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है सबका? आगे का बंदा खड़ा मेरे मुंह के तरफ देख के हंस रहा है फिलहाल की घड़ी। यार रात के टाइम बाइक गए थे वैसे लोग को, अभी जरा जा रहे हैं देखने के लिए बाइक को कहाँ हुआ। एक बंदा सामने आया था, रुके रुके जाता हूँ। असद साहब आ चुके हैं अपनी होंडा सिटी के अंदर हमें मिलने के लिए, कम्प्लीमेंट्री हमारे दरवाजा खोला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर, सीट करें यहाँ ऊंच। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, जा रहे हैं वेस्ट लोग की तरफ, जरा चलते हैं, जरा गेड़ा मार रहे हैं बाइक कर रहे हैं। वो क्या रहा है, वो क्या रहा है, कहाँ तक उन्होंने बाइक पहुँचाया है? असद साहब के साथ हम जा रहे हैं मेक्सिको की रोड के ऊपर। असद साहब ने वो केड़ा क्रूज लगाया हुआ सर? यार बात ये है छोटी सारी के बाइक पे हमारी बहुत मेहनत लगी है, पैसे एक साइड पे, लेकिन जितनी इस बंदे और मेरी बंदर मेहनत नहीं, हमारी बहुत ज्यादा लगी है यार, वो एक साइड पे चली गई है। अब यार हमारा यही दिल है कि बाइक अच्छा एक रेडी हो। ये जी हम लोग पहुंचने वाले हैं, आंटी की बाजी है जी, देखते हमारा बाइक। अरे मुझे तो अपना बाइक नजर नहीं, ओए खुला खड़ा खुला खड़ा खुला खड़ा खुला खड़ा, ओ भाई टैंकी हुई खड़ी है। ये बंदा देख के हंस रहा है मुझे, अंदाजा ठीक नहीं था, कमजोर होना ना, टैंकी हुई पड़ी है, टैंकी हो गई है और हेडलाइट हो गई है, देख लिया सर, ये हेडलाइट का मुझे कहा था। हेडलाइट ठीक नहीं है अली भाई, नीचे से देखें जहाँ पुटीन लगी हुई वो जगह देखें, क्या बात है, दुकान छोड़ी है भाई सर आपने। अच्छा ये नीचे, ये इसको नीचे, ये इसको नीचे चीज है सर, बेहतरीन नहीं होगा ये भाई? मिस्टर अवैस मेहनत करने में लगे हुए हैं, हैं बाबू तो सारे वीडियो बढ़ दी पई, ये वेख लगा बिल्कुल बिल्कुल सही करके देख रही है आपने, इसलिए सही तरीके से पेपर लगाना है, समझ बड़ी स्क्रीन पर चलाई तो चलो इसे बने तो याद तो मैं रखे ना ना सारे नु वेखी रुकावट चढ़ गए सही मारा कपड़ा के पता नहीं सब मोटरसाइकिल बारो लेके आया कि तो पास वेदा पे आमू। आज फिलहाल अपना साढ़े 15-20 दिहाड़े बहुत पराया थी वैसी अरे यार रैप शैप उम्मीद है कि आज खत्म हो जाएगा तकरीबन इनकी घड़ी, इनकी घड़ी पे जान लगो कि टाइम रखो टाइम इनका टाइम आने की घड़ी है, घड़ी में सर नहीं डालना। ये बस अभी टैंकी हो गई है और टापे वगैरह हो रहे हैं और यहाँ मडगार्ड हो रहा है और वहाँ एमर साहब टेल करने लगे हुए ताकि आवाज सा मार रहे हैं कि खराश मराश कहीं ना पड़ जाए। माशाल्लाह से मुझे अपनी शक्ल नजर आ रही है और तो कुछ नजर आ रहा है। अभी हम लोग ये अवैस वालों से वापस जा रहे हैं, 4 बजे आएंगे इनके पास इंशाल्लाह सर। चलो 4 बजे ध्यान शक कुछ नहीं वापस आ गए बाइक वापस लेने के लिए, मुझे अवैस की पिक्चर भेज दी है कि बाइक कैसा आ रहा है, असद को नहीं देखा, असद का फर्स्ट रिएक्शन होगा इसको हम नेक्स्ट रिएक्शन लेना, इसका आंखें बंद करवा के सही कर लेके जाते हैं। अभी पहुंचते हैं आपको बाइक आप लोग दिखाते हैं, लेकिन स्नीक भी दिखाएंगे पूरा बाइक दिखाने वाले। आज 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 मेरा पुत्र चंद को आ जा, किधर पकड़ के लेके जा रहे हैं इधर, आज 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 वो शिकर के देने देख ले, अब देख ले चाची बनेगी मोटरसाइकिल की,
चार तो वाला टाइम डेड लाइन थोड़ी अपड़ गई डेड लाइन। ये हमारा मोनोग्राम लग रहा है जेडी, इतनी हमारी दो हफ्ते की मेहनत है उसके पीछे, उस्मान के बाइक पे ये पीछे संजा मिली साढ़ा ना लिखा मर्जी लिखी तो क्या कहते पास भाई जान, क्या कर रहे हैं आपने पेज की वीडियो लगानी है इसकी? हाँ अभी तो मैं ऑडियो नहीं दिखाया, मोटरसाइकिल की तरफ पहुंच जाए। पिक्चर भी देनी है। ठीक है सर, आपकी मेहनत है। प्लेट भी तैयार हो गई है, दूसरी फ्रंट प्लेट भी तैयार हो ही गई है, सिंपल बनवाई है सिल्वर और ब्लैक में। भाई साहब ने नया रिकॉर्ड बनाया है, 8 बजे से लेके लगातार 2 बजे तक मोटरसाइकिल रैप करने वाला। कैसा यार अबे, कैसा फील कर रहे हैं भाई आप? 10 बजे तो मैं आया, 10 बजे तो मैं आयो दुनिया में है। फिर भाई जल्दी जल्दी इंजन भी खत्म करे ना हम लोग घर से, आखिरी पट्टी लगाए फिर भाई। इधर ये अहमद साहब आखरी स्प्रे पेंट मार रहे हैं, थोड़े यार छोड़े यार, कोई हालात नहीं चाह रहे यार, थोड़ा नहीं तेरी मार रहा जी। आखरी स्टेप्स लगा रहे हैं अब, ऐसा साहब नंबर प्लेट लगाने की कोशिश में मशगूल हैं, ऐसी बात है ना सर? बिल्कुल पहली दफा लगा रहे हैं ना, पहले तो ये कभी काम नहीं किया ना, ये सारे काम ये लोग पहली दफा ही करते हैं। ये हम निंजा टेक्निक अपना रहे हैं, इसमें हम लोग स्क्रू उड़ाने लगे हुए हैं, सर डबल टेप से चमोड़ने लगे हुए हैं टेप। ओए होए 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 होए, बेहतरीन ही होगा काम। भाई साहब सुना दे पेन क्या अच्छे बंदे जो है ना वो पेपर लगवाते हैं, गरीब बंदे पेपर लगवाते, ये अपने ब्रांड न्यू 125 के ऊपर पेपर लगवा रहे हैं, ब्रांड न्यू 125 के ऊपर। कैसा फील कर रहे हो ब्रा? ठीक ठीक था और ठीक सही। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है साहब का? ठीक ठाक है यार, न्यू डे है, रात के टाइम बाइक होके आ गया था, सारा रैप तकरीबन जितना करवाना था रात के टाइम से बिजली चली गई थी अवैस लोग की, तो उस टाइम मैं फिर दिखाने से आगे बाइक कितना रैप हुआ, प्लेट सिस्टम लग रही थी, लगानी थी अब तक प्लेट्स, अब प्लेट्स लग चुकी है, मैं बाइक वॉश करवाने के लिए आया हूँ, बाइक सामने वॉश हो रहा है, आपको दिखाते हैं फिर से कुछ एरोमेटिक थोड़े शॉर्ट लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसके सारी कॉस्ट जितनी लगी है अभी तक और बाकी जितना खर्चा हुआ, जिन जिन लोगों ने इस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिन सारे से मिलवाते हैं उनका अपना सबका फीडबैक देते हैं बाइक के हवाले से उनका क्या है, तो स्टे ट्यून्ड में बस ये बाइक का शॉर्ट एंड जाएगा। भाईजान आ चुके हैं जिनका बाइक था, ये मुसाफिर बंदे हैं, शक्ल देखे जरा, शक्ल से बहुत अशरीफ था, बिल तो देना है तेरे आर में, अभी तो आर में तेरे शापर है ना, आंखें तुम्हें बंद करनी है, काली पट्टी मोटरसाइकिल में उसने ढांक के खड़ा किया हुआ, अनबॉक्सिंग में रुक जा, जैसे कहा दिखाना है, सर पकड़ सामान रख ले राजा, सर ये राजा भाई जान, इसमें बड़ी मेहनत हुई है कसम से, इंतहा की मेहनत, अगर अभी तुझे पसंद ना आया ना तो हमें तुझे घुटना ही पड़ा, ऐसे नहीं उतार रहा मैं, ऐसे बड़ा उतार कर तुझे दिखाऊंगा, रुक जा। आपका बाइक है सर? पसंद आया उस्मान भाई? इसको भी पसंद आया ना, इसको कह रहा है ये मेरा बाइक है। अरे मेरा बाइक है जी, आपका बाइक है सर? ये हमने पेंट मारा है कुपी वाली बोतल से। अच्छा बता, मजा आए? मजा ये हम लिखे ना प्रोजेक्ट ऑफ व्लॉग ऊपर, हमारे वो इकबाल होंडा सर्वे जी ने, हमारे इकबाल सर ने बाइक रेडी किया ना, उन्होंने कहा पहले हमारा थप्पा लगाना है आपने, नहीं जी ये हम लगा के लिखे, साउंड ठीक हो जाए,
बेसियो नहीं है वो आपके देना ये तुम दिखा है नया गया है नॉट बॉट खरीदा नहीं गया ठीक है लाइट वही डाली हमने नहीं ठीक रखी बिल्कुल एडजस्ट रहा नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो या मर्जी कर बाकी जब तक राइजर लगेंगे जब तक हैंडल नीचे रहेगा राइजर लगेंगे अच्छा यार इस पे जो टोटल हमारी कॉस्ट आई है तकरीबन 35,500 आई है 35,500 टोटल कॉस्ट आई है इसकी जो सारी जिसमें सबसे पहले हमारा जो टोटल पार्ट्स को हमारा बिल बना था जिसको से लेके आए थे सारी चीजें वो 4,300 था जिसमें 1,600 का हमें वाइजर मिला था 480 रुपए की हमारी विंड स्क्रीन थी उसके बाद बीम हमारी भी नहीं है ये भी नहीं डाली थी सारी की सारी हेडलाइट बिल्कुल न्यू है ब्रांड न्यू थी उसके बाद हमने छोटे मोटे इसके यहाँ से थी प्लेट्स वगैरह थी वो भी नहीं डाली है सारी इसके अंदर एयर स्कूट्स की भी नहीं डाली है नट बोल्ट भी हमने सारे डाले वो आज तक करके सारी चीजें उसके बाद हमने इसका सीट कवर नया डाला है और इसका एक बोल्ट रही था पल्ली साइड पे वो हमने नया डाला है और पिछले ब्रेक लेदर हमने नया डाला है जेनुइन 980 के वो आए हैं वो जेनुइन प्राइस की है उसके बाद हमने इसका एयर फिल्टर भी जेनुइन डाला है वो 5-10 रुपए का आया है ठीक है और टायर ट्यूब हमने फ्रंट पे नहीं डाली है बैक को हमने वही चलाई है वो 400 की आई है और फ्यूल टैंक को हमने जुगाड़ लगाया है क्योंकि फ्यूल टैंक जो पूरा अगर आप लो ना यहाँ तक सारा इस एयर स्कूप को निकाल के तो ये तकरीबन 10,000 से 12,000 कॉस्ट करता है न्यू का तो इसको हमने जुगाड़ लगाया वो हमारा जुगाड़ 1,000 में लग गया तकरीबन और जो इसके नट बोल्ट सारे क्रोम हुए हैं ना दोबारा से रीफिनिश हुए हैं उस पर हमारा 2,800 रुपये कॉस्ट आई है 2,800 रुपये कॉस्ट आई है उसके बाद टायर्स इसके तकरीबन हमें 7,000 कॉस्ट किए पिछला क्रूजर 119/80 है और फ्रंट पे 2.7518 है टायर अच्छा उसके बाद जो बड़ा खर्चा हमारा मेरे खर्चा है शादी वाला तो साथ साहब ने हमारा बहुत खर्चा कराया है साथ साहब ने जनाबी अली हमारे लगवाए हैं 12,000 रुपया इसमें तकरीबन जो पाइप है और एग्जॉस्ट है ये तकरीबन हमें पड़ा है 7,000 का 1,500 का इंजन गार्ड पड़ा है 1,500 का ये पड़ा है और उसके बाद स्टैंड भी लिया 1,000 का वो पड़ा है 1,000 CNC स्टैंड मजदूरी वगैरह मतलब 12,000 हमारा साथ के पास हमारा बिल पड़ा है टोटल और उसके बाद रैप नंबर प्लेट्स और जितने ग्राफिक्स आप सामने देख सकते हैं ये अवैस लोगों ने किया है मतलब लोगों ने सारा डिज़ाइन किया इसका सारा इस पर तकरीबन हमारी कॉस्ट आई है 3,500 रुपीज़ उसके बाद पेंट किया है जो हमारे उस्ताद साहब ने वो 5,000 का पेंट भी कॉस्ट किया है और उसके बाद उसके तकरीबन जो कॉस्ट है बाइक खोलने की सारी मैकेनिक का कॉस्ट है वो तकरीबन 3,000 में पड़ी है और इंजन ऑयल फिल्टर में डाला है वो तकरीबन 820 का में पड़ा है और छोटी मोटी लाइट्स की रिपेयरिंग वो टोटल जो हमारा एंड पे सब टोटल बना है ना वो 35,520 रुपये बना है इसमें टायर इंक्लूड नहीं उस पर कहा था टायर इंक्लूड करोगे तो 42,000 रुपीज बिल बन रहा है 42,000 कॉस्ट हमारे पास सारी आई तो ये तकरीबन आप बाइक आप देख सकते हैं 100% नहीं हो गया मेरे ख्याल में कहीं इससे कोई कह नहीं सकता कि 15 मॉडल है अब ये सर 2022 खड़ा है और A20 A2015 मॉडल है बिल्कुल सेम टू सेम ही रेडी हो गए हैं तो अगर आप लोग में से किसी ने अपना बाइक रेडी करवाना है तो असद मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं तो बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा और असद मुझे इजाज़त दी होप सो आप लोगों को सीरीज अच्छी होगी बहुत बहुत बाइक रेडी करने में बिल्कुल भाई हफ्ता हमारा लगा है ना हफ्ता बहुत डाढ़ा लगा है सही पक गया यार हफ्ता इस बाइक पे जितनी मैंने भाग दौड़ की है उतनी उस पर नहीं की मैंने आज तक ये उस्मान बड़ा कोई लकी बंदा है उसको ऐसा बाइक हमने तैयार कर दिया नहीं तो इतना जोड़ के बाइक गाड़ी नहीं मेहनत कोई नहीं खोलने की